भगत लोग लिखोगे भेरू भटकाना तेलिया समंदर भरिया ताल और जो भेरू जी ने सिमरी बाबा बेड़ा करिया पार और काला गोरा भेरू जी री डुंगरिया री छाया सुंदर भजन है ए देवी रो आगे भोनी मारा भैरव जी ले 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 ले। और देखो मैं चाहूंगी जो भैरव जी महाराज माने दोनों हाथ जाकर के ताली और देखो जगह जगह ताली नहीं लगावे सपना में भैरव जी महाराज आवेला एक बार सभी लोग सीधे हाथ अड़ा नहीं सीधा हाथ बासा ओदिया वाला बासा दोनों हाथ ऊपर ताली के साथ में हां हमारी मातृशक्ति इधर से दोनों हाथ ऊपर ही ताली बिल्कुल ताली बजाते हुए इधर हेलो इधर से ऊपर करवाती हूँ तो इधर नीचे हो जाते हैं हाथ एक बार सभी लोग एक साथ हाथ उठाएंगे दोनों और ताली के साथ में ए देवी रो आगे बोली मारा फिर जी तू गरिया Thank you.
वरना खेतला जी ने महाराज के दरबार में आरतियों री बेला किन प्रकार ढोल नगाड़ा बाजे देखो तेल सिंदूर धर चढ़े रे चूर मो तेल सिंदूर धर चढ़े रे चूर मो तेल सिंदूर धर चढ़े रे चूर मो ढोल नगाड़ा बाजे जागण में बड़े भैरव जी महाराज ने आनो जे एक बार अच्छा बताओ कौन कौन आज रे जागण में भैरव जी महाराज ने बुलाना चाहे वो दोनों हाथ ऊपर जिन्हें भैरव जी महाराज एक हाथ दियो वो एक हाथ ऊपर करे और जिन्हें दो हाथ दिए वो दो ही हाथ ऊपर किन्ने किन्ने कितना हाथ दिया है दोनों हाथ ऊपर ताली के साथ में आबड़ो बड़े लभेरु जी आबड़ो बड़े Oh,
हाँ बाबूजी देखिए हमारे राजू भाई का एक नियम है, जहां भी जागरण में जाते हैं भैरूजी महाराज का जब भी वो रोल करते हैं तो उनपे जो भी पैसे आते हैं वो गौशाला में आप राजू भाई देते हैं। आप लोगों से निवेदन है जितनी जिसकी सामर्थ्य हो 10-20-50 आप लाकर यहाँ रख दें, वो पैसे आप लोगों को ही दिया जाएगा, सुबह गौशाला में आप लोग चारा डाल देंगे। बोल श्री गौ मात की। एक बार जोरदार ताली बजाए राजू जी माली के लिए। थारे मगेरे को करिए रिमाल फिर जी नटिया ना
एक बार जिन जिन को आनंद आया हो दोनों हाथ उठा करके जय घोष करना। खेतो जी महाराज रु जय घोष है। हां बाबू जी खूब मोटा एक बार दोनों हाथ ऊपर और जोरदार। जितनी आपकी लंबी सांस चले उतनी लंबी आवाज में आपको जय घोष करना है। बोलिए खेतलो जी महाराज की जय हो। बोलिए सोनाना वीर की जय हो। जय हो।